ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है मेष राशि वालों के लिए जुलाई का पहला जो चरण है वो क्या कुछ लेकर आया है आपके लिए। देखिए, समय तो विशेष तौर पर हम समझने का प्रयास करें तो ये जो विशेष तौर पर जुलाई का पहला चरण है कई ग्रहों की परिवर्तन की सूचना लेकर आ रहा है। मंगल पहले ही दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत कमजोर चल रहे थे पिछले 20 दिनों से और अब वो शक्ति संपन्न होकर शनि के सामने आ गए हैं। ये स्थिति थोड़ी कष्ट वाली है। मंगल शक्ति में आए बिल्कुल ठीक है, लेकिन शनि के सामने जो सप्तक योग बन रहा है वो कष्टमय है, तो उसका उपाय आपको समझ लेना चाहिए। हमने पहले अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाया था, वो भी आप देख सकते हैं कि आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ प्रभाव रहेगा। खैर, आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि शनि जो है वो भी शक्ति संपन्न है और विशेष तौर पर मेष राशि वालों की यदि हम बात करें तो आपकी राशि के अनुसार से जो सप्तक पंचम में मंगल और एकादशवें भाव में शनि, तो ऐसे द्वंद्व में जब फंस जाते हैं तो ग्रहों का शुभ प्रभाव भी समाप्त हो जाता है, तो वो हम उससे बचने के लिए हमें उपाय करने की बहुत जरूरत है। इसके साथ साथ बुध भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और वो बुध आपके लिए परिवर्तन बहुत शुभ होने दिखा रहे हैं और शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। ये शुक्र का परिवर्तन भी आपके लिए शुभ रहने वाला है और आपके लिए जमीन जायदाद से लाभ होने के योग देने वाला है, आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी को एनहांस करने वाला है, आपके लिए अंदर बुद्धि का ऐसा बल्ब जलने के योग बनने वाले हैं कि जो आप विचार आपने शायद पहले नहीं सोचे थे वो पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बन सकते हैं। देखिए, बुद्धि का चमत्कार होता है इस संसार के अंदर। सही समय पर सही बुद्धि चल गई तो सही आपने वारे न्यारे कर दिए और बाद में बुद्धि में उपाय आया तो कोई फायदा ही नहीं है। तो आपके लिए यदि आप बुद्ध का उपाय कर लें, बुद्ध थोड़े कमजोर हैं, अस्त चल रहे हैं, यदि उसका उपाय कर लें, उपाय भी हम बताने वाले हैं तिथियों के अनुसार से सिलसिलेवार कि क्या कुछ होने के क्या कुछ उपाय कर लेने चाहिए। कोई ग्रह अगर अशुभ कर रहा है तो उसको कैसे ठीक कर लें तो उसको भी समझ लेना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 जुलाई की। 1 जुलाई का पंचांग ये कहता है कि विशेष तौर पर आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है, शनिवार का अवसर है और उस दिन त्रयोदशी तिथि है, वृश्चिक में चल रहे हैं चंद्रमा और साथ साथ शनि प्रदोष है उस दिन। शनि प्रदोष बड़ी मुश्किल से ये शनि प्रदोष का योग बनता है, बड़ा शुभ योग माना जाता है। कहा जाता है शनि को मनाए सदा सुख पाए और शनि को बनाने का शनि प्रदोष यानी त्रयोदशी शाम को जिस दिन विद्यमान हो और उस दिन जो वार हो उसके हिसाब से शनि प्रदोष बन जाता है और शनि के समस्त दोषों को दूर करने के लिए ये बहुत सुंदर दिन है। तो कोशिश ये करें इस दिन विशेष तौर पर भगवान शिव का विशेष तौर पर पूजन करें। भगवान शिव का पूजन करते हुए तिल के विशेष तौर पर दूध में या जल में तिल डालकर भगवान का अभिषेक करने से कहा जाता है कि शनि के समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। ये बहुत सीधा साधा उपाय है, इसको अवश्य करने का प्रयास करें। इस दिन की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपकी राशि के अनुसार से आपका दिन थोड़ा भारी रहेगा ग्रह गण के दृष्टिकोण से। तो समस्त कार्यों को करते हुए थोड़ा शालीनता के साथ काम करने का प्रयास करें और अननेसेसरी विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधन में ना फंसे, अन्यथा कहीं कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो उसके लिए उपाय आपको बताया है वो अवश्य करें, कल्याण होगा। 2 जुलाई को यदि बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है, चतुर्दशी और पूर्णिमा का योग पड़ रहा है। शाम को पूर्णिमा, सुबह चतुर्दशी का योग है और चंद्रमा का परिवर्तन जो है दोपहर को करीब करीब 1:21 पे होगा। ये आपके लिए बड़ा शुभ होगा। सुबह का समय थोड़ा भारी रहेगा, शाम के समय धनलाभ के योग बनेंगे। सत्यनारायण व्रत आज ही किया जाएगा 2 जुलाई को ही, तो उस दिन विशेष तौर पर भगवान का पूजन करते हुए सत्यनारायण जी का व्रत करते हुए उनको कसार का भोग लगाकर केले का भोग लगाकर उनका समस्त प्रकार से पूजन करें, कथा का श्रवण करें, यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और शाम के समय शुभ सूचना का आगमन करने का ग्रह की सूचना प्राप्त हो पहले ही हो रही है तो इसका लाभ आपको लेना चाहिए। 3 जुलाई की यदि हम बात करें तो 3 जुलाई को व्यास पूर्णिमा है, आषाढ़ का अंतिम दिवस और उस दिन व्यास पूजा, गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा जिसको कहा जाता है वो योग बनता है। इस संसार में परमात्मा से के साथ साथ गुरु की वंदना भी अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के समस्त सूचनाओं को गुरु के माध्यम से ही हमको प्राप्त प्रशस्त करने मार्ग प्रशस्त करने का अवसर मिलता है क्योंकि गुरु तक भगवान तक का जाने का मार्ग जो है वो गुरु के चरणों से ही निकलता है, गुरु के आज्ञा से ही निकलता है। तो उनकी विशेष तौर पर अवश्य आज्ञा का पालन करते हुए पूजन करते हुए इस दिन उनके प्रति समर्पण भाव अवश्य रखने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, जितने धर्म कार्य में कार्य करेंगे सरलता से कार्य करेंगे उतना आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि बुद्धि में जड़ता चल रही है शनि मंगल के टकराव के कारण से सरल लाभ हो गए हैं तो ये दो धारी जो व्यवस्थाएं हैं, दो नाव में पैर रखा हुआ है, ये आपके लिए कष्टप्रद हो सकती है। थोड़ा समर्पण भाव सही रूप से करने का प्रयास करें। सरल है लेकिन सरलता प्रदर्शित नहीं हो पा रही है इसीलिए कष्ट का योग है। लेकिन विचारों में कुछ नया
पॉजिटिव चेंजेस आने के योग हैं, विचार बहुत तेजी से कार्य करेंगे, वो आपके अनुकूल रहेंगे, वो आपके लिए अच्छा है। 4 जुलाई की यदि हम बात करें तो ये बहुत ही सुंदर तिथि का आगमन हो रहा है। इस दिन सावन का महीना शुभ हो आरंभ हो रहा है। मंगलवार के दिन सावन का महीना आरंभ हो रहा है और कहा जाता है कि मंगल शनि को शिव को प्रसन्न करने का बड़ा सुंदर ये महीना रहता है। तो कहा जाता है कि इस दिन जो अनुष्ठान पूजा पाठ का अनुष्ठान मंगलवार के दिन आरंभ होता है वो सदा सफलता का योग बनाता है। तो इस दिन सुंदर तरीके से हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि का लाभ लेते हुए हमने एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है इस पूरे संपूर्ण सावन पर। और सौभाग्य से इस बार सावन भी दो पड़ रहे हैं, एक तो विशेष तौर पर मलमास का पुरुषोत्तम मास का सावन और साथ साथ साधारण सावन भी। तो 60 दिन का सावन का योग रहेगा और सुंदर तरीके से 60 दिन तक विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहेगा। सामूहिक तौर पर आप भी उसमें सम्मिलित होकर व्यवस्थाओं को समझकर अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं। नंबर्स फोन पे स्क्रीन पे। खैर, पंचांग के अनुसार समझ लीजिए क्या तिथि है जो मंगलवार के दिन शुभ योग पड़ रहा है। इस दिन मंगला गौरी जी का पूजन भी किया जाएगा और ग्रहों की सूचना के अनुसार से समय आपके अनुकूल रहेगा, लाभ की स्थिति बनाएगा और अध्यात्म के द्वारा। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके सरलता का सीधा तरीके से लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं, उनसे आपको बच के रहने का प्रयास करना चाहिए। कहीं नाजायज फायदा ना उठाएं, कोई आपको कमजोर ना समझ लें, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। लेकिन दोपहर के बाद समय आपके अनुकूल रहेगा, जो लोग आपको कमजोर समझ रहे होंगे उनके दांत खट्टे हो जाएंगे, ये भी साफ साफ योग दिखाई देता है। तो आप इस समय में सावन के दिन से भगवान शिव का नित्य प्रति पूजन आरंभ करें, यह आपके लिए सबसे अनुकूल है। 5 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि और ग्रह गणना आपके अनुकूल बनी हुई है, आपकी योग्यता के अनुसार से आपको लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। और कोई आपका जो लाभ की स्थिति, कई बार हम काम करते हैं हमारे मन में ये विचार होता है कोई और हमारा लाभ ना ले जाए, तो चिंता ना करें, कोई आपका कार्य क्षेत्र से लाभ उठा के नहीं ले जाने वाला, आपका फल आपको ही प्राप्त होने के योग हैं। तो आप आश्वस्त होकर काम करने का प्रयास करें, आपके लिए ग्रह अनुकूल है, बुधवार का अवसर है, ऐसे में कोशिश करें श्री गणेश की वंदना करें, गणेश का पूजन करें, आपके लिए शुभ होगा। 6 जुलाई को विशेष तौर पर गुरुवार का अवसर है, तृतीया तिथि उदय तिथि के तौर पर विद्यमान है और उसके बाद चतुर्थी तिथि का आगमन हो जाएगा। तो मेष राशि वाले समझ लें कि उनके लिए समय कैसा है। देखिए, इस दिन कुंभ राशि में विशेष तौर पर चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है दोपहर को 1:41 पर। यह आपके लिए बहुत शुभ योग बना रहा है, लाभ की स्थिति प्रशस्त कर रहा है। ग्रहों गणना के अनुसार से आपके लिए विशेष तौर पर आगे बढ़ने के अवसर, आपको पॉजिटिव चेंजेस बनते दिखाई दे रहे हैं, लाभ के अवसर आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से बन रहे हैं। ऐसे में साधु संतों का पूजन कर उनको दूध का दान करना शास्त्र में बड़ा शुभ बनाया गया है। इस दिन एक परिवर्तन और हो रहा है, शुक्र जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे अगले दिन यानी 12 बजे के बाद दोपहर रात्रि में। तो ये आपके लिए विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, कहीं मानसिक प्रवृत्ति थोड़ी बदल ना जाए, धर्म में आस्था रखते रखते कहीं संसारिक, क्योंकि सावन का महीना बड़ा सुंदर होता है और ऐसे में कहा जाता है कि तामसिकता का भी उदय हो जाता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें, थोड़ा मन को भगवान में लगाने का प्रयास करें। एक बात और ध्यान रखें, चतुर्थी तिथि है, चतुर्थी तिथि क्षय हो गई है, तो ऐसे में रिक्ता तिथि चतुर्थी को कहा जाता है, तो और साथ में तिथि क्षय भी होना, कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए तिथि शुभ नहीं रहेगी, तो उससे बचना चाहिए, अगले दिन मुहूर्त है उसमें कर लीजिएगा। यदि 7 तारीख की हम बात करें तो 7 तारीख को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि उस दिन शुक्रवार और पंचमी का योग है और ग्रह आपके अनुकूल है, संकेत दिखा रहे हैं कि आपको लाभ होने वाला है। तो इसलिए आप अपने कार्यों को और एक बार देखकर पूरे विश्वास के साथ उस कार्य में लग जाएं और झगड़े में न फंसे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो हम गारंटी ले रहे हैं ग्रह आपको लाभ, ग्रह बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं कि आपको लाभ की स्थिति बनाएंगे। लेकिन एक बात का और, इस बात का सुंदर संकेत मिल रहा है इस तिथि में, शुक्रवार और पंचमी तिथि, सावन की पंचमी, कृष्ण पक्ष की पंचमी, काल सर्प को दूर, काल सर्प योग जो कुंडली में कई बार होता है और बहुत रेयर होता है, लेकिन क्या विडंबना, विचित्र विडंबना हो गई कि हर दूसरा आदमी आज की तारीख में कहता है कि मेरी कुंडली में काल सर्प योग किसी व्यक्ति ने बता दिया है। ऐसा नहीं है भैया, तो आप उसके लिए, आप हमने आश्रम में सुंदर व्यवस्था बनाई है कि आप अपनी कुंडली को हमारे आश्रम, हमारे नंबर्स पर भेज सकते हैं और यहाँ से बताया जाएगा कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है कि नहीं है। पंचमी तिथि जो है विशेष तौर पर कहा जाता है कि काल सर्प योग का पूरे वर्ष भर नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए इस दिन काल सर्प योग का शांति यंत्र को स्थापित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए तिथि मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव का पूजन कर काल सर्प योग को समाप्त करने के लिए, शांत करने के लिए, पूरे वर्ष के लिए उसके दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए काल सर्प यंत्र को सिद्ध कर अपने पास जातक के पास रखवा दिया जाता है और उसका नित्य प्रति पूजन करके काल सर्प योग के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। तो उसके लिए भी आप इन नंबर्स पर जो स्क्रीन पर है आपकी समस्त गतिविधि जान सकते हैं। 8 जुलाई को ग्रहों की गणना दिखाती है कि शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन, मीन राशि में चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है, कर्क राशि में बुध का परिवर्तन हो रहा है।
तो दिन थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। दोपहर के बाद का समय आपके लिए थोड़ा सा कष्ट में हो सकता है, कहीं ना कहीं से कुछ जुर्माना होने की संकेत प्राप्त हो रहे हैं, तो सावधान होकर कार्य करना चाहिए। वहीं बुध का परिवर्तन जो है वो आपके लिए अच्छा है और आपके लिए, लेकिन थोड़ा बुध इस वक्त कमजोर है, उसके लिए कोशिश ये करें गौ पूजन करें, गाय को थोड़ा पालक खिलाएं, गाय के पास जाकर थोड़ा सा हरा चारा दें और विशेष तौर पे हरे कपड़ों का दान करना चाहिए। इन सब चीज़ों को उपाय करके आप बुध की शक्ति को प्रशस्त कर सकते हैं। एक उपाय और भी कर सकते हैं, दही के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक, सावन का महीना चल रहा है, शनिवार का अवसर है, दही के द्वारा भगवान का अभिषेक करें, देखिए बुध भी प्रशस्त होगा, बुध की शक्ति पूर्ण हो जाएगी और आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी एनहांस होगी, लाभ प्राप्त होगा। वहीं 9 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है, सप्तमी तिथि उदया है, उसके बाद अष्टमी का आगमन हो जाएगा, इसलिए इस दिन कालाष्टमी का योग पड़ रहा है। भगवान शिव को प्रसन्न करने की सुंदर तिथि है, इस समय में आप लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ग्रह भी आपके थोड़े भारी चल रहे हैं। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और खर्चों का भी ध्यान रखें, अननेसेसरी खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, आपको सावधान रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। कालाष्टमी है, भगवान शिव पर जल चढ़ाएं, देखिए आपके कष्ट दूर होंगे। थोड़ा सा विशेष तौर पर भगवान शिव पर बिल्वपत्र के द्वारा, बिल्वोदक के द्वारा भगवान का अभिषेक करें, कल्याण होगा। 10 जुलाई को ग्रहों की गणना दिखाती है कि सोमवार का अवसर, ये सोमवार बहुत बेहद खास है, सावन का पहला सोमवार का योग पड़ रहा है अष्टमी के दिवस पर, तो ऐसे में कोशिश ये करें भगवान का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए पूजन करते हुए आप कार्य करें। सावन का पहला सोमवार है, हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा भव्य आयोजन किया है, सावन के पूर्ण संपूर्ण महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा गया है, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हर रोज ये कार्यक्रम रहेगा, शाम को 6 बजे से लेकर करीब करीब रात में 8:30 बजे तक, और सावन के पहले सोमवार पर तो बड़ा भव्य कार्यक्रम रहेगा, भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों का पूजन, विभिन्न मंत्रों से भगवान का रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा, रुद्र सूक्त के द्वारा भगवान का नमस्ते रुद्र मन्यव उतो तई खवे नमः बाहुभ्या मुतते नमः जाते रुद्र शिव तनु रघु रपापिका शनि, इस प्रकार से भगवान के मंत्रों का स्तवन करते हुए भगवान का अभिषेक का कार्यक्रम सुंदर रखा गया है, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रह गणनाओं के अनुसार से आप यदि समझ लें मेष राशि वालों, थोड़ा सा दिन आपके लिए वीक दिखाई देता है, थोड़ी सी थकावट आपको परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य के मामले में आपको अलर्ट रहना चाहिए। खैर दिन समाप्त होते होते आपका स्वास्थ्य भी परिवर्तन, पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाएगा, ऐसे में यदि आप महामृत्युंजय का मंत्र जप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो आपके कष्टों को दूर करने का योग अवश्य बनेगा। धन्यवाद।